बिमरान कास्केट एक सोने से बना पात्र है जिसे देखते ही स्वर्ण धातुओं की उत्कृष्ट कलाकृति दिखाई देती है। सोने का यह पात्र आंखों को चकाचौंध कर देता है। भारतीय अफगानिस्तान सहित ग्रीक और यूनान क्षेत्र की कलाकृतियों को समेटता हुआ यह स्वर्ण पात्र कई रहस्यों को समेटे हुए है। अफगानिस्तान के जलालाबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बिमरान गांव से यह स्वर्ण पात्र मिला था। सन 1833 से 1838 के बीच पुरातत्वविद चार्ल्स मासन जब बिमरान गांव के स्तूपों के खनन का कार्य कर रहे थे तभी स्तूप नंबर 2 की खुदाई के दौरान उन्हें यह स्वर्ण पात्र मिला था। अभी फिलहाल इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। माना जाता है कि इस पात्र का निर्माण पहली शताब्दी में किया गया था मगर बिमरन कास्केट के सोने और उसमें लगे माणिकों के हिसाब से यह ईसा पूर्व पहली शताब्दी का माना जा सकता है और इस हिसाब से संभवतः तथागत बुद्ध के प्राथमिक छवि या आकृति का श्रेय इसी बिमरान कास्केट को जाता है। बिमरान कास्केट मुख्यतः बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। बिमरान कास्केट पूरी तरह से ग्रीको रोमन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण दिखाई देता है जिसमें बुद्ध अभय मुद्रा में खड़े दिखाई देते हैं। उनका दाहिना हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ और बायां हाथ कूल्हों की तरफ दिखाई देता है। बुद्ध को लपेटे हुए वस्त्र और उनकी सिलवटों को भी देखा जा सकता है। बायां पैर उठाए बुद्ध दाहिनी तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं। सर के बालों को स्पष्टतः देखा जा सकता है और सर के पीछे हेलो के आकार को भी देखा जा सकता है। इसमें बुद्ध के चेहरे पर उनकी मूछों की आकृति उनकी इस छवि को अति विशिष्ट बना देती है और इस प्रकार की कई मूर्तियां गंधार से मिली हैं जहां पर बुद्ध मूछों के साथ दिखाई देते हैं। बिमरान कास्केट की यह बुद्ध की छवि संभवतः बुद्ध की पहली मूर्ति होगी जिसमें बुद्ध को मूर्त रूप दिया गया था। इससे पहले बुद्ध को केवल उनके प्रतीकों में ही पूजा जाता था जैसे स्तूप, पैरों के निशान, धर्म चक्र इत्यादि। संभवतः प्रारंभ में बुद्ध को मूर्त रूप देने से परहेज किया गया था। सम्राट अशोक के संपूर्ण कार्यकाल में भी हमें बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं दिखाई देती है और यह माना जाता था कि बुद्ध को मूर्ति का रूप देना उनके योग्यताओं को निचले स्तर पर ले जाना माना गया हो सकता है। तो परंपराओं में उनके बुद्ध बनने के बाद की अवस्थाओं से परहेज करते हुए उनके ज्ञान प्राप्ति के पहले की अवस्थाओं को मूर्त रूप में उतारने की इजाजत दी गई हो और संभवतः यह बुद्ध की मूर्ति उसी की छवि है। बुद्ध की मूर्तियों को हम घुंघराले बालों के साथ देखते हैं जबकि किसी व्यक्ति को भिक्षु बनने से पहले उसे अपने सर के बाल मुंडवाने होते थे और दाढ़ी और मूछों को भी साफ करना होता था क्योंकि बुद्ध का यह मानना था कि इस प्रकार से भिक्षु अपने अंदर समता का भाव जागृत करता है और समता के भाव पर ही बुद्ध संदेशों का अनुकरण किया जा सकता है। अगर हम कुछ बौद्ध ग्रंथों को देखें तो उनके हिसाब से बुद्ध के सर पर भी बुद्ध बनने के बाद बाल नहीं थे। वे भी अन्य भिक्षुओं की तरह सर के बालों का मुंडन और दाढ़ी और मूछ साफ रखते थे। तो फिर इसी आधार पर बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने की अवस्थाओं को ही प्रदर्शित करने के लिए मूर्ति कला का आरंभ हुआ और यही चीज हम इस मूर्ति में भी देखते हैं कि जब वे पहले राजकुमार सिद्धार्थ या बोधिसत्व थे
उसे इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। और अगर बुद्ध के सर के बालों की अन्य किंवदंतियां अगर सुने तो उनके अनुसार बुद्ध के सर पर घुंघराले बाल की तरह दिखने वाले बुद्ध के सर पर घोघों की आकृतियां हैं जिन्होंने बुद्ध के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो इस प्रकार बिमरान कास्केट की बुद्ध की यह छवि जिसमें बुद्ध के सर के बालों के सहित वे मूछों के साथ दिखाई देते हैं क्योंकि वे बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ हैं। बुद्ध की बाईं तरफ ब्रह्मा और दाईं तरफ देवराज इंद्र की छवि को देखा जा सकता है। कई बार बुद्ध के साथ ब्रह्मा और देवराज इंद्र की छवि को देखा जाता है। कई लोग इसे धोखा मानते हैं मगर गंधार से मिली कई मूर्तियों में बुद्ध के सामने देवराज इंद्र और ब्रह्मा नतमस्तक दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की गुफाओं में भी देवराज इंद्र को बुद्ध का सिंहासन यानी कमल के डंठल को पकड़े दिखाया जाता है। ये कला संस्कृतियां उस समय के लोगों की मान्यताएं थीं तो इसे केवल इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जब भारत में तथागत बुद्ध हुए थे तब उत्तर वैदिक काल चल रहा था जिसमें वैदिक मान्यताएं धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म की तरफ बढ़ रही थीं। और जैसा कि विदित है कि वैदिक संस्कृति की प्रारंभिक शुरुआत वर्तमान के सिंधु नदी के इलाके में हुई, जैसा कि हम गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानते हैं वैसे ही वैदिक काल में सिंधु नदी पवित्र मानी जाती थी। आज के पंजाब से निकलकर पाकिस्तान के सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां प्रारंभिक वैदिक काल में श्रेष्ठ व पूजनीय मानी जाती थीं। और प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र को प्रमुख प्राकृतिक शक्ति के रूप में पूजा जाता था जो वैदिक धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता थे। और ब्रह्मा विश्व के रचयिता के रूप में वैदिक काल में पूजनीय थे। बुद्ध ने सिद्धांतिक तौर पर वैदिक ईश्वर और उनके कर्म कांडों का भारी विरोध किया मगर उनके पश्चात देवराज इंद्र और ब्रह्मा को उनके सामने ही नतमस्तक देखा जाता है। यह शायद बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके संदेशों की महानता थी कि वे विशाल होते चले गए और उनके ज्ञान के समक्ष इंद्र और ब्रह्मा भी नतमस्तक होते हैं। और इसी बदलती संस्कृति और वैदिक परंपराओं को बुद्ध धर्म में समाविष्ट होते हुए देखा जा सकता है। और इसी का एक उदाहरण है बिमरान कास्केट की ये छवियां। ब्रह्मा की दाढ़ी और उनको उनकी सर की जटाओं से पहचाना जा सकता है। हाथों में उन्हें कमंडल लिए देखा जा सकता है। और बुद्ध की दूसरी तरफ इंद्र एक राजकुमार की वेशभूषा में दिखाए जाते हैं। उस समय की परंपराओं के अनुसार वे एक पगड़ी पहने हुए दिखाए गए हैं जिनकी बाहों में बाजूबंद और हाथों में कंगन को राजसी वस्त्र के रूप में चिन्हित करता है। बिमरान कास्केट की अन्य छवियों को बोधिसत्वों के रूप में पहचाना जाता है और ये हाथ जोड़े हुए अंजलि मुद्रा में दिखाई देते हैं। बिमरान कास्केट के ऊपर और नीचे माणिक या रूबी के रत्न जड़े हैं जो उत्तरी अफगानिस्तान के प्रसिद्ध बदख्शान के माणिकों से मेल खाते हैं। गहरे लाल रंग के रूबी के पत्थर या माणिक की दो श्रृंखलाएं हमें दिखाई देती हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। मानो ये माणिक बिमरान कास्केट की सुंदरता में जान डाल देते हैं। इसके निचले हिस्से में भी हमें कारीगरी दिखाई देती है। हालांकि इसे बुद्ध की अस्थियों और अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था मगर जब यह मिला तब इसमें कोई भी अवशेष नहीं था। इस बिमरान कास्केट को एक बड़े पात्र में रखा गया था, यह भी बिमरान से ही मिला है, जिसके दोनों भागों में खारोष्ठी भाषा में लिखा गया था।
कि बुद्ध के सम्मान में मम जव मद पुत्र शिव रक्षिता की तरफ से पवित्र दान। तो इस प्रकार बिमरान कास्केट के काल में बौद्ध धर्म पर ग्रीक कला की छाप स्पष्टतः दिखाई देती है और इसी का अगला उदाहरण है अफगानिस्तान का प्राचीन शहर हड्डा। हड्डा पूर्वी अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत में जलालाबाद शहर से 10 किलोमीटर दक्षिण में गंधार के प्राचीन क्षेत्र में स्थित एक ग्रीक बुद्ध पुरातत्व स्थल है। सन 1930 और 1970 के काल की खुदाई में 23,000 से अधिक ग्रीक बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। ग्रीक कला की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हमें हड्डा में दिखाई देती हैं। पहली से दूसरी शताब्दी की इन कलाकृतियों में प्राचीन रोम में बड़ी विशेषताओं से मूर्तियों को बनाया जाता था। चेहरे का भाव और अंगों के कोमल भागों को बड़े जीवंत तरीके से बनाया जाता है। आंखों की बनावट, नाकों का उभार, ओठों और चेहरे के अन्य भाग हेलेनिस्टिक कला संस्कृति की मुख्य विशेषताएं थीं और कुछ ऐसा ही भाव हमें हड्डा की मूर्तियों में भी दिखाई देता है और इसकी तुलना हम ग्रीस के अपोलो मंदिर की मिली मूर्तियों से कर सकते हैं। पांचवी शताब्दी की यह मूर्तियां बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम से जुड़ी है जिसमें ज्ञान प्राप्ति के पहले बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ को घर छोड़ते हुए दिखाया गया है। पास में यशोधरा निद्रा की अवस्था में दिखाई देती हैं, वहीं पे सेवक चन्ना या चंद्रिका उन्हें पगड़ी देते हुए दिखाई देते हैं और इनका संबंध भविष्य के बुद्ध से भी जोड़ा जाता है। इन मूर्तियों की बनावट व कोमल अंगों के उभार स्पष्टतः दिखाई देते हैं और हड्डा की कलाकृतियों में ग्रीक देवताओं को भी बुद्ध के समर्थन में देखा जा सकता है। इस चित्र में ग्रीक देव एटलस बुद्ध के स्मारकों को समर्थन देते हुए देखे जाते हैं और हड्डा से मिली प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियां जिन्हें खारोष्टी लिपि में लकड़ी की छाल पर लिखा गया था और ये सर्वस्तिवाद से जुड़े बौद्ध ग्रंथ पहली शताब्दी में लिखे गए होंगे। और इसी हड्डा के करीब एक और पुरातात्विक स्थल टेपे कलान में भी बौद्ध विहार मिले हैं। विशालकाय स्तूपों को कई स्तरों में बनाया गया है जिसमें कई स्तरों में सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। स्तूपों की बनावट और उनपे की गई मूर्ति कला यहाँ के स्तूपों की मुख्य विशेषता रही है और इसी की झलक हमें हड्डा के चखिल एक घोंडी के स्तूप में भी दिखाई देती है। दूसरी से तीसरी शताब्दी का चखिल ये घोंडी का स्तूप भी अपनी विशिष्ट कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। हेलेनिस्टिक कलाकृतियों से सुसज्जित एक स्तूप का आधार एक भावनात्मक बौद्ध दृश्य को उत्पन्न करता है जिसके पहले चित्रों में एक राजकुमारों की जोड़ी को दिखाया गया है जिसमें सिर मुंडाने और बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए राजी किया जाता है और दाईं ओर अंतिम दृश्य में वह अपने माता पिता से विदाई लेते हुए बौद्ध वेशभूषा में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से उकेरे गए दृश्य प्राचीन अफगानिस्तान के जीवन काल की परंपराओं को दर्शाते हैं। अफगानिस्तान के इन ग्रीक व रोमन कलाकृतियों में बौद्ध धर्म और ग्रीक लोगों की गहरी छाप दिखाई देती है। 330 ईसा पूर्व में महान सम्राट सिकंदर के अधीन अफगानिस्तान आया और ग्रीक से कई लोग अफगानिस्तान में आकर बसने लगे। अफगानिस्तान प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित था और इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर निरंतर होने की वजह से
यूनानी और ग्रीक लोग आकर्षित हुए। कालांतर में सेलुकस से लेकर अन्य कई ग्रीक यूनानी राजाओं के नियंत्रण में अफगानिस्तान रहा, जिसकी पुष्टि सम्राट अशोक के गंधार के ग्रीक के शिलालेखों से मिलती है और सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचारों का प्रभाव भी ग्रीक राजाओं पर पड़ा और वे बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। मशहूर बौद्ध सम्राट मिनेंडर का शासनकाल आते आते ग्रीक लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, जो आगे सम्राट कनिष्क का काल आते आते पूरी तरह से एक नई बौद्ध संस्कृति को जन्म दिया। और इन्हीं ग्रीक कलाकृतियों की छाप हमें अफगानिस्तान के हड्डा के बौद्ध कलाकृतियों में भी दिखाई देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कहाँ चले गए? बौद्ध धर्म तो वर्तमान अफगानिस्तान में नहीं है, तो ये लोग कहाँ चले गए? इस प्रश्न का जवाब हमें 7वीं शताब्दी के इस्लामी शासन काल से शुरू होता है। इस्लामी शासकों ने अफगानिस्तान के बौद्ध विहारों के धन से आकर्षित होकर इन्हें लूट लिया और इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसका असर बौद्ध धर्म पर पड़ा। पहले तो इस्लामी आक्रमण ने इन्हें नष्ट किया और दूसरा, बौद्ध धर्म के केंद्र में बौद्ध विहारों के नष्ट होने की वजह से बौद्ध धर्म पूरी तरह से भटक गया और तब प्राचीन वैदिक धर्म जो बौद्ध समाज का अंग बन गया था वह फिर से पुनर्जीवित होकर हिंदू धर्म का रूप लेने लगा। बुद्ध को विष्णु के नवे अवतार में रूप दे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में समाविष्ट होने लगा और 10वीं शताब्दी तक इसने पूरी तरह से हिंदू धर्म का रूप ले लिया। इस्लामी आक्रमण से बचने के लिए ये उत्तरी अफगानिस्तान की तरफ भागे, जहां आज का अफगानिस्तान का नूरस्तान प्रांत है और वे 16वीं से 17वीं शताब्दी तक संघर्ष करते रहे और अंत में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। आज के अफगानिस्तान के नूरस्तान प्रांत में अफगानिस्तान के पुराने बौद्ध और हिंदू कला संस्कृतियों की छाप को देखा जाता है। यहाँ के लोग देखने में ग्रीक लोगों की तरह दिखाई देते हैं। नूरस्तान के लोग अपने आप को सम्राट सिकंदर का वंशज मानते हैं। आज भी कला संस्कृति के मामले में वे अन्य इस्लामी दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। तो भले ही बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अफगानिस्तान से खत्म हो गया हो, मगर अफगानिस्तान के नूरस्तान प्रांत के लोगों और उनके रहन सहन और परंपराओं में प्राचीन अफगानिस्तान के कला संस्कृति की झलक दिखाई देती है।